17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महत्व श्री शनि धाम शनि तीर्थ चित्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनि धाम आने और पुनः छतरपुर मेट्रो से छोड़ने के लिए निःशुल्क बस सुविधा है आपके लिए। आइए शनि धाम करिए दर्शन कि आपका कल्याण। ये निःशुल्क बस सुविधा के आर मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों ने आपके लिए की है। नमन आ रहा है। नमन आ रहा है। 8 फरवरी सन 2018 और गुरुवार का दिन है। क्या आपको अपने कारोबार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या लाख कोशिश और कठिन परिश्रम के उपरांत भी कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, धन लाभ नहीं हो रहा है, आपकी संतान की शादी नहीं हो रही है या स्वयं आपकी शादीशुदा जिंदगी में तकलीफ आ रही है, जीवन नीरस लग रहा है, आपको लग रहा हो कि जीवन में सारे प्रयास विफल होते नजर आए या पेट में गैस बहुत रही, इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेकर आऊ आज के गुरु मंत्र में। गुरु मंत्र लेकर आपके सामने हूं और गुरु मंत्र शुरू करो उससे पहले मेरे हृदय का यह संदेश कि संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामना। 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। राष्ट्रवासियों मेरी आराध्य का दिन है। संपूर्ण राष्ट्र दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों को दाती महाराज हृदय से आमंत्रण दे रहे हैं कि पधारो शनि अमावस्या के महत्व पर श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी। मेरे मित्रों दिल्ली एनसीआर के लोगों से मेरा निवेदन है, शनि भक्तों से मेरा निवेदन है कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व को यानी 17 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में रेल मेट्रो का प्रयोग करें, मेट्रो रेल का प्रयोग करें, क्योंकि छतरपुर मेट्रो स्टेशन दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सुविधा है शनि धाम आने और पुणे वापस छोड़ने की। और ये व्यवस्था के आर मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों ने की है। शनि भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। दाती महाराज की प्रभु से यही प्रार्थना है। पधारिए शनि धाम और करिए दर्शन कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है दाती महाराज हम कार्य पे निकलते हैं लेकिन कार्य में सफलता नहीं मिलती, हमेशा कोई ना कोई यात्रा में बाधा आई जाती है, क्या करें। जब कभी भी आप कारोबार के लिए यात्रा पर बाहर जाए एक नारियल ले लीजिए, उसको छील दीजिए, चोटी जरूर रखिएगा, कुमकुम से स्वस्तिक बना दीजिए और स्वस्तिक के प्रत्येक खाने में केसर से एक एक बिंदी लगा दीजिए, अनामक अंगूठी। नारियल को अपने हाथ में लेकर 11 बार ओम हम हनुमते स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। और 11 बार अपने ऊपर से उसारे, 11 कदम आगे बढ़िए, नारियल को फोड़ दीजिए, जल को अपने पर छीटा दीजिए, जो नारियल की गिरी वो प्रसाद ग्रह में बांट दीजिए, स्वयं भी थोड़ा सी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। अब आप करके देखिएगा अद्भुत है ये उपाय जो खाली नहीं गया, बाकी तो परमेश्वर के हाथ में भाई। नमन है। और बात करते हैं गुरुवार के पंचांग की। फाल्गुन मान कृष्ण पक्ष की अष्टमी विक्रम संवत 2074 गुरुवार का प्रातकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र चंद्रमा तुला राशि में, और बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, शादी की साल करें। 8 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की साल करें तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामना, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 8 फरवरी आपका जन्मदिन और निजगत कर्मों की वजह से आपके जीवन में कारोबारी पारिवारिक और रिश्तों को लेकर संतान को लेकर स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, हर रोज नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत
भगवान सूर्य को जल देने के बाद 43 दिन नियमित पैदल भगवान चंद्रदेव के मंदिर में जाकर दर्शन करें। और ध्यान रखें, दुश्मन का भी बुरा नहीं करें। हर रोज अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर 8 पाठ दशरथ करसने स्त्रोत का जरूर करें। हर रोज लगातार 43 दिन जब यात्रा करके घर आ जाए, गरीब निर्धन विधवा स्त्री या गरीब स्त्री को अपने घर में बिठाकर भोजन कराइएगा, संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। अगला कदम सितारों की ओर, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में। और क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए बात करूंगा गुरुवार के राशिफल की। और सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वाले, क्योंकि प्रातःकाल तुला राशि में था और थोड़ी देर में चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गया और चंद्रमा इस समय अष्टम भाव में प्रवेश कर चुका है। तो सूर्य उदय के बाद यानी लगभग 8-9 बजे से गोचर अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। सितारे आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहे, आज आपके अपने ही हानि पहुंचाने का प्रयास करें। शुभ कार्यों में अड़चन आएगी, पैसों का लेन देन न करें तो बेहतर होगा और यात्रा में कष्ट है और स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक मेष राशि वालों गोचर इसी तरह का है। क्रोध पर काबू रहे, विवादी सौदों से दूर रहे, खान पान नियमित रखें और यात्रा में सावधानी बरतें। छोटा सा उपाय और ये उपाय बड़ा ही आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। आज के दिन हनुमान जी के श्री चरणों में ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 चुटकी सिंदूर अर्पित करिएगा, कष्ट कम आएगा। क्या करें, ईमानदारी से कार्य करें, क्या ना करें, मन में क्रोध न रखें, न मना रहे। और बात करते हैं वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, सितारों की चाल अनुकूल है। सितारे संकेत दे रहे कि कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी, कारोबार में विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे और नए आयाम स्थापित होने के प्रबल संकेत है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहे, सितारे अनुकूल है। धन लाभ और सुख के साधन बढ़ेंगे और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, न मना रहे। क्या करें, रुके हुए कार्य हो तो आज उसे पूरा करने का प्रयास करें, क्या ना करें, क्षेत्र कोई भी हो भाई, लापरवाही ना करें, न मना रहे। और बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों गणनाओं का पूर्ण संकेत है कि आज मुस्कुराहट का पूर्ण मौका मिले। सितारे आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं, भाग्य आपका साथ देगा, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, लेनदेन के सभी मामले आज निपट जाएंगे क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। आर्थिक समस्याओं का समाधान मिलेगा, व्यापार से धन लाभ प्राप्त होगा, साथ ही नई सुंदर लाभदायक कारोबारी अनुबंध भी मिलेंगे। और आप नौकरी में हैं, उन्नति के अवसर मिलेंगे, मनोनुकूल स्थान पर लाभ मिलेगा और दिन खुशियों से बीत जाएगा, नमोना। क्या करें, सामाजिक जिम्मेदारी को निभाएंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे, क्या ना करें, जरूरतमंद व्यक्ति को अनदेखा ना करें, नमोना रहे। मैं इस वृषभ मिथुन की बात करें, कर्क सिंह कन्या की बात करूं, उससे पहले गुरुवार का राहुकाल और गुरुवार की यात्रा। गुरुवार का राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, राहुकाल ग्रहण शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। तो बात करते हैं आज की यात्रा, पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगल में। मेरा कहना है कि समय और साधनों में परिवर्तन हो गया, आप किसी भी दिशा में यात्रा करें चारों दिशा, लेकिन आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरण में पीला पुष्प अर्पित करिए और जीरा चबाते हुए यात्रा पर निकली, यात्रा में कष्ट कम आएगा, नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, कर्क राशि वालों गोचर यह संकेत रहे कि मनोकामना की पूर्ति के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता है, कार्य क्षेत्र में संयम बनाकर रखना बहुत जरूरी है, धार्मिक यात्रा का मौका मिलेगा, संसारिक अवसर मिलेगा, परिवार का प्यार और पैसा भी मिलेगा, लेकिन संतान की शिक्षा को लेकर थोड़ा सा तनाव है, इस पर ध्यान देना होगा।
न मना रहे। क्या करें, किसी गरीब निर्धन बीमार व्यक्ति की सेवा करिए, ईश्वर आपका भला करेगा। क्या ना करें, व्यर्थ के सैर सपाटे में समय नष्ट ना करें। नमन बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, गणनाओं का संकेत दे रहा और भयभीत होने की जरूरत नहीं है, दाती महाराज आपके साथ है। क्योंकि भाग्य की सितारा आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहा है, ग्रह गोचर प्रतिकूल है, इसलिए आज हानि की संभावना नजर आ रही है। विवादी सौदों में पूंजी में निवेश मत करना भाई, हानि है। और साझेदार के व्यवसाय में भी नुकसान की संभावना है। मानसिक तनाव है, पारिवारिक विवाद बढ़ने न दे, तकलीफ दे जाएगा। आय की स्थिति सामान्य, खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य की प्रति लापरवाही नहीं करते, नुकसान है। सुबह से लेकर शाम तक सिंह राशि वालों, गोचर सावधानी का संकेत, डरना नहीं, संकेत है ये, छोटा सा उपाय। किसी कुष्ठ रोगी को श्रद्धानुसार गेहूं का दान दीजिए और घर में घी का दीपक जलेगा। ओम घृणी सूर्या ही आदित्याय नमः, श्रद्धानुसार मंत्र का जाप करिएगा, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। क्या करें, संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें, कोई नया सौदा और नया प्रस्ताव को आज स्वीकार ना करें। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि, ग्रह गोचर आपके पक्ष में संकेत दे रहा है, भाग्य का सितारा आपके पक्ष में करवट लिया है और आज का ग्रह गोचर शुभ फलों को देने में समर्थ है। सहयोगियों की मदद से विकास का रास्ता खुलेगा। कर्मठता और प्रयासरत रहने से सर्वत्र विजय की प्राप्ति होगी। माता पिता की सेवा का लाभ मिलेगा और मनो अनुकूल धार्मिक यात्राओं का योग भी। क्या करें, वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति को लेकर कार्य करें। क्या न करें, दूसरों के कार्य में रुकावट न डालें। न मना रहे, करक सिंह कन्या की बात करें, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं, उससे पहले वास्तु सलाह राज का सुझाव। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हमारी कार्यालय में बैठने की व्यवस्था सही हो। हमें अपने व्यवसायिक स्तर पर स्थिर बैठना चाहिए। बैठते समय हमारा मुंह या तो उत्तर में हो या पूर्व में हो, और इस बात का विशेष ध्यान रखें, हमारी पीठ के पीछे कोई खिड़की नहीं हो बल्कि ठोस दीवार हो, तो कारोबार में सफलता अच्छी मिलेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के सुझाव की। आपको अपने वैवाहिक जीवन में अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शादी नहीं हो रही है, शादी शुद्ध जिंदगी में कले या संतान की शादी नहीं हुई, अच्छे से रिश्ते हाथ से निकले। आज के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व ये ध्यान रखिएगा, 4 बजे के स्नान करते समय ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात भगवान गणपति का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। 108 हरी दुर्वा की पोटली बना दीजिए, हल्दी में डुबो दीजिए। तत्पश्चात ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करके ये दुर्वा गणपति के श्री चरणों में भेंट कर दें। पुनः ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हो गणपति को 108 हल्दी का तिलक करिएगा चरणों में, सफलता अवश्य मिलेगी। नमो नारायण। और बात करते तुला राशि। तुला राशि वालों, गोचर थोड़ा सा मध्यम है, परिवार को साथ लेके चलना पड़ेगा। व्यवसाय और नौकरी में थोड़ा सा संयम रखना आवश्यक होगा। धन की प्राप्ति होगी, परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा, लेकिन परिवार और सामाजिक कार्य में संपन्न करना, उनका साथ देना बहुत जरूरी होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, दैनिक खर्चे पूरे रहेंगे, बस थोड़ा सा परिवार को साथ और थोड़ा सा धैर्य से काम करेंगे तो अच्छा। आज जल्दबाजी से बचना भाई, न बना रहे। क्या करें, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का संकेत नजर आ रहा है तुला राशि वालों, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना। क्या ना करें, बिना विचारे कोई कार्य ना करें, न बना रहे। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, गणनाओं की बात कर रहा हूं और भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, पिछली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नए सुंदर काम बनेंगे, कारोबारी संबंध बनेंगे, मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे, व्यवसाय में उन्नति मिलेगी। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध उत्पन्न मिलेंगे। धन लाभ होने से भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी, आज सुख साधनों का उपभोग भी कर पाएंगे, इच्छित कार्य बनेंगे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। क्या करें, कोई भी कार्य हो, महत्वपूर्ण व्यवसाय हो, वार्ता से संपन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें, किसी को भी कर्जा ना दे, ना मना रहे। और बात करते हैं धनुराशि।
धनराशि वालों, गणनाओं की बात कर रहा हूँ, और मेरे मित्र भयभीत करना मेरा स्वभाव नहीं, खाली संकेत दे रहा हूँ, और संकेत के साथ साथ आपका समाधान लेके आया हूँ। काहे परेशान है, यदि गुजर अनुकूल नहीं होगा तो मैं समाधान बताऊंगा। थोड़ा सा सितारे आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहे, इसलिए आप थोड़ा सा संयमित होना बहुत जरूरी। अपनी विचारधारा ला दिए मत, अपने क्रोध और अपनी ईर्ष्या को नियंत्रण में रखें, क्योंकि आज भागदौड़ की अधिकता की वजह से कार्य क्षेत्र में कोई विशेष कार्य संपन्न नहीं होगा, धन की वह की अधिकता बनी रहेगी। आज पिता पुत्र में मतभेद की संभावना है, और सुबह से लेकर शाम तक गोचर इसी तरह, छोटा सा उपाय और ये कर लेना भाई, किसी स्वागन स्त्री को पीले वस्त्रों का दान दक्षिणा के साथ दे देना, बहुत गरीब हो ध्यान रखना, दुआ देगी और कष्ट नहीं आएगा। नमूना क्या करें, बड़ों का सम्मान करें, क्या ना करें, पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। नमूना तुला वृश्चिक धनु की बात करी, मकर कुंभ मीन की बात करूं, उससे पहले उपाय और अद्भुत देसी नुस्खा आज का, आज का उपाय। यदि आपको अपने कारोबार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, लाख कोशिश और कठिन परिश्रम के बाद कारोबार में लाभ नहीं हो रहा हो, तो यदि बरगद की पेड़ की छांव में कोई पौधा उगा हुआ हो और आपको दिखाई दे जाए, उसे किसी भी रविवार के दिन राहु काल के दौरान मिट्टी सहित खोद के लेकर आ जाए, अपने घर के ईशान कोण में लगा दीजिए। जो जो ये पौधा बढ़ेगा, जो जो आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, ये नुस्खा बड़ा अपनाया गया और इससे बड़ा लाभ मिलता है। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खा की, आज के नुस्खा। यदि अपच रहती है, पेट में गैस बनने की शिकायत है, इससे छुटकारा पाने के लिए ताजा अदरक के रस में काला नमक डालकर भोजन से पहले इसको सेवन करके दे दीजिए। अद्भुत है, जो कभी खाली नहीं गया, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखा देना भाई। नमन और बात करते हैं मकर राशि, मकर राशि वाले समय अनुकूल सितारे आपके पक्ष में करवट ले रहे, भाग्य आपका साथ देगा, व्यवसाय नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेंगे, देश विदेश से नए व्यवसाय की योजना बनेगी, रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, परिजनों के सहयोग से मांगलिक कार्य संपन्न होगा, आज शत्रु पराजित होगा। नमो नारायण, क्या करें, कार्य सफलता के लिए प्रयासरत रहे, क्या करें, कार्य सफलता के लिए प्रयासरत रहे, क्या ना करें, व्यर्थ की खरीदारी ना करें। नमो नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, गोचर संकेत दे रहा है कि साहस और उत्साह में वृद्धि होगी, अधिकारी वर्ग मित्रों का अनुग्रह प्राप्त होगा, प्रयासों में सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और अधिकार बढ़ेगा, चारों ओर खुशियां हैं। क्या करें, अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें, क्या ना करें, किसी का हक मारने का प्रयास ना करें। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, मीन राशि वालों गणनाएं ठीक है, घबराने की कहीं आवश्यकता, पारिवारिक सहयोग से मन संतुष्ट रहेगा और पारिवारिक सहयोग से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, धन लाभ होगा, प्यार मिलेगा, पैसा मिलेगा, परंतु कार्य स्थिति सामान्य है, थोड़ा सा खर्चा अधिक है, इसलिए संयम से काम लें। आज के दिन नए कारोबार में पूंजी निवेश नहीं करो, जल्दबाजी नहीं करें। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में अवसर मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, काम भी मिलेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी, लेकिन इस मन की चंचलता पर काबू जरूर रखना। नमूना रहे, क्या करें, परिश्रम और संयम से कार्य करें, सफलता आपका दामन चूमेगी, क्या ना करें, गैर कानूनी ढंग से कार्य न करें। नमूना, ये था 12 के 12 राशियों का राशि पर जो नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन कि विचार है मेरे, लादने का स्वभाव नहीं है मेरे मित्र, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। छोटा सा ब्रेक के बाद, यदि पारिवारिक परेशानियां हैं, परिवार में कलह रहता है, पारिवारिक समन्वय नहीं है, तो भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे मनाए कि पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, पूजा और मंत्र, दर्शनों के लिए दाती धाम और जीवन मंत्र लेकर, लेकिन छोटा सा ब्रेक न मना। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 मार्च 2018 शनि अमावस्या महोत्सव, दर्द आपके पास तो दवा है दीवा देव शनि, और है समस्या आपके पास तो समाधान है दीवा देवी। श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बिल में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शनि धाम आने के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस
सुविधा है और ये व्यवस्था के आर मंगलम वालों की तरफ से, के आर मंगलम एजुकेशन ग्रुप है। आइए श्री शनिधाम, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में, और करिए शनि भगवान के दर्शन कि आपका कल्याण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यदि जीवन में सारे प्रयास विफल होते नजर आ रहे हो और परिवार में समन्वय नहीं है, जीवन निरस लग रहा हो, प्रयासों के बावजूद भी परिवार के लोग एक साथ नहीं बैठ पा रहे हो, तो भगवान श्री हरि विष्णु को मनाए। भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे मनाए वो पूजा और मंत्र बताओ। आज के दिन नित्यक्रम नियम स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में भगवान श्री हरि विष्णु के श्री विग्रह के सामने चौमों का घी का दीपक जलाई, शुद्ध मिट्टी के पात्र में जल, गंगा जल और गाय का दूध भर के रख दीजिए। सुदासन बैठ जाइए, चंदन की माला पर ओम अनंताय नमः इस मंत्र की साथ वाला जाप करें। जाप के उपरांत पूरे जो जल है पूरे घर में छिड़क दीजिए, कुछ प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। संपूर्ण बाधा और मुक्ति से छुटकारा मिलेगा, सारे पारिवारिक सदस्य निरोग रहेंगे। छोट नमो नारायण। और बात करते हैं जीवन मंत्र की। वक्त कहता कि मैं फिर नहीं आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इसी पल जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। इस पल में जी लो, इसलिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, काम करो, आनंद से रहो। नमो नारायण। 17 मार्च 2018 शनि अमावस्या महत्व, श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनिधाम आने और पुनः छतरपुर मेट्रो से छोड़ने के लिए निशुल्क बस सुविधा है आपके लिए। आइए शनिधाम, करिए दर्शन कि आपका कल्याण। ये निशुल्क बस सुविधा के आर मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों ने आपके लिए की है। नमो नारायण। अब समय है प्रभु के दर्शनों का, दर्शनों के लिए चलते दाती धाम। नमो नारायण। जय शनि देवा, हरि ओम तत् सत्, 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 जय शनि देवा। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतने कल्पना, गुरु मंत्र जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन का उपाय शुक्रवार का राशिफल। प्रयासों के बावजूद भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो रही हो, पूजा और मंत्र। जीवन मंत्र सुझाव देसी नुस्खे उपाय और वास्तु सलाह लेकर आऊंगा, लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगते अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।
17 मार्च 2018 शनि अमावस्या महत्व श्री शनि धाम शनि तीर्थ चित्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनि धाम आने और पुनः छतरपुर मेट्रो से छोड़ने के लिए निःशुल्क बस सुविधा है आपके लिए। आइए शनि धाम करिए दर्शन कि आपका कल्याण। ये निःशुल्क बस सुविधा के आर मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों ने आपके लिए की।